कहूँगा बहुत ही तगड़ा इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है भाई। इस गाड़ी में बहुत तगड़ा डिस्काउंट, मोटा मोटी 2 लाख रुपए का। 2 लाख का नहीं, उससे ज्यादा का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आया हूँ एमजी पे और हमारे सामने खड़ी हुई है एमजी की हेक्टर 2023 वेरिएंट। अब आप आगे से देखो तो पूरी पूरी गाड़ी आपको लग रही है ना 2023 वाली। इसमें आपको कोई डायमंड कट वाली आपको ग्रिल देखने को मिलती है, नई वाली जिसमें आपको क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। नहीं भाई, इसमें यहाँ पे ट्विस्ट और टर्न है भाई। ये वाली जो आपका 2022 मॉडल है और वही वाला है आपका 2023 वेरिएंट, इसमें भी आपको वही सेम ग्रिल देखने को मिलती है। लेकिन आप इन दोनों गाड़ियों को देख के पहचान नहीं सकते कि कौन सी गाड़ी आपकी 2023 है, कौन सी गाड़ी आपकी 2022 है। अब आपको पहचानना है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको गाड़ी के पीछे आना पड़ेगा। क्योंकि भाई मैं पागल भी तो बना सकता हूँ, मैं सेल्स बढ़ाऊंगा एमजी की, ठीक है। तो पीछे आके आपको मेन फर्क पता पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए ये लाइट, कनेक्टिंग लाइट्स मिलती है आपको 2023 में। उसके बाद यहाँ पे बड़ा बड़ा हेक्टर लिखा हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और मेन चीज है आपका ये पीछे का बम्पर, जो इसमें इस टाइप की स्किड प्लेट देखने को मिलती है और यहाँ पे कोई भी आपको कटआउट नहीं देखने को मिलता है ना एग्जॉस्ट की टिप के लिए। ये है चीज इसकी आपको जो 2023 में देखने को मिलेगा। और जब आप 2022 में देखोगे ना, वो चीज बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ सबसे पहले तो चला जाता है यहाँ से आपकी कनेक्टिंग लाइट, वो यहाँ से चली गई, ठीक है। इंटरनेट इनसाइड आपको देखने को मिलेगा जो कि वो 2023 में है ही नहीं। उसके बाद हेक्टर यहाँ छोटा सा हो गया, वो बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखा हुआ होता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ बम्पर पे ट्रीटमेंट देखने को मिलता है। ये वाले जो है फेक रहने वाला और यहाँ पे आपको जो एग्जॉस्ट रहने वाला है। तो आप यहाँ से पता लगाएंगे कि ये जो गाड़ी आपकी 2022 है और वो वाली गाड़ी जो है आपकी 2023 है। तो उस गाड़ी को साइड रखते हैं, इस गाड़ी के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि कंपनी ने क्या किया है, लोगों को इतनी पसंद आ रही थी नई वाली ग्रिल, तो उन लोगों ने गाड़ी में ही वो ग्रिल लगा दी और उसका रेट जो है इसी के रेट के साथ इंक्लूड कर दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के बारे में, बात करते हैं इसके बारे में और वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के बारे में। पहले आगे देखो, इसमें आपको 2023 वाली ग्रिल देखने को मिलेगी। उसके नीचे आपको एमजी के लोगो के नीचे 360 डिग्री का कैमरा देखने को मिलता है। लाइट्स की बात करें तो भाई इसमें आपको एलईडी लाइट्स विद इंडिकेटर और यहाँ पे नीचे की साइड डुअल बैरल एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप आपको देखने को मिलेगा। उसके नीचे फॉग लाइट का भी सेटअप देखने को मिलता है। आपको सिर्फ 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, एक इधर और एक इधर। आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलता है। अगर मैं इसमें इंजन की बात करूँ तो इसके अंदर आपको वही 2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है, 1957 cc का, जो कि आपका प्रोड्यूस करता है 167 bhp। ये देखिए कुछ इस तरह का आपको पूरा यहाँ पे इंजन देखने को मिलेगा, एमजी टर्बो लिखा हुआ है। और अगर मैं इसकी पावर आउटपुट की बात करूँ तो 167 bhp और वहीं मिलेगा आपको इसके साथ 350 Nm का टॉर्क। तो बहुत ही क्लीन इसका इंजन पे रहने वाला है। देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे से पैक किया हुआ है एमजी ने। यहाँ पे आपको इंसुलेशन भी देखने को मिलेगी इस टाइप से। और ये जो गाड़ी है ना, यहाँ की मैनुअल ट्रांसमिशन गाड़ी रहने वाली है, यानी कि इसके साथ आपको देखने को मिलता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स, ठीक है। पूरा प्रॉपर थर्ड से आपका इसका हुड बंद हो चुका है। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल इधर जगह नहीं है, इधर से बात करेंगे। देखिए इस तरह का आपके यहाँ से साइड प्रोफाइल रहने वाली है इसकी पूरी की पूरी। अगर मैं टायर साइज की बात करूँ तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा 18 इंच का टायर, सॉरी यहाँ पे भी आपको 18 इंच का टायर देखने को मिलता है। यहाँ पे भी आपको 18 इंच का टायर देखने को मिलेगा, सेम आपके अलॉय व्हील्स रहने वाले हैं। आगे डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर मैं अलॉय की बात करूँ, डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेगा जिसमें आपको ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर की फिनिश देखने को मिल जाती है, ठीक है। गुडियर का टायर देखने को मिलेगा। क्लैडिंग की बात करूँ तो ऐसे क्लैडिंग गई है जो कि पूरी पीछे गाड़ी में जाती है। यहाँ पे मॉरिस गैराजेस की आपको बैजिंग देखने को जाएगी इस तरह से। अब अगर गाड़ी की लेंथ की बात करूँ ना, तो आपको इसकी लेंथ रहने वाली है 4655 mm की, 4655 mm की जो है इसकी आपकी लेंथ रहने वाली है। अगर वहीं अगर मैं व्हील बेस की बात करूँ तो इसमें मिलेगा 2750 mm का व्हील बेस, बहुत ही तगड़ा व्हील बेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो गाड़ी रहने वाली है आपकी शार्प रहने वाली है, तो इसमें आपको 5 सीटर ऑप्शन देखने को मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 सीटर आपकी ये जो गाड़ी रहने वाली है, ठीक है। अगर मैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो वो आपको देखने को मिलेगी, पहली बात तो ड्राइवर साइड पे, इस साइड पे आपको यहाँ पे फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो 60 लीटर का आपको यहाँ पे फुल टैंक देखने को मिल जाता है। तो पीछे की साइड आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, ऊपर आपको फंक्शनल रूफ रेल देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शार्क फिन एंटीना। उसके बाद हाई माउंटेड स्टॉपिंग लैंप, यहाँ पे स्पॉइलर का ट्रीटमेंट कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, रियर वाइपर, उसके बाद डीप फॉगर और नीचे की साइड एमजी का लोगो, उसके नीचे आपका यहाँ पे कैमरा। और अगर बात करें पीछे की साइड पे, यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, यहाँ पे भी आपको फॉग लाइट का ऑप्शन और रिवर्स लाइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टोइंग हुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस टाइप की आपकी पीछे का बंपर रहने वाला है, स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाता है। बात करूँ ना अगर इसके बूट की, तो कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे बूट रहने वाला है। देखिए
इस टाइप का आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बूट देखने को मिलेगा। अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगी 587 लीटर्स की यहाँ पे आपको कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे तो आपको लाइट, हाँ यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिलती है इस टाइप से, ठीक है। और ये आपके जो है पार्सल ट्रे रहने वाली है, पार्सल ट्रे रहने वाली है, इसमें जो है पूरा एक पर्दा टाइप का देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे रख जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको बंद करना है तो यहाँ पे आपको बंद देखने को मिल करने के लिए बटन मिलेगा। देखिए पावर टेल गेट, यहाँ पे एलईडी लाइट्स का प्लेसमेंट देखने को मिलती है कुछ इस तरह से। अब आते हैं दूसरी तरफ, फ्लोटिंग इंडिकेटर्स देखने को मिलेंगे इसमें आपको, पूरा एलईडी लाइट्स का सेटअप रहने वाला है, ठीक है। उधर की साइड आते हैं तो यहाँ पे आपको मॉडल लिखा हुआ दिख जाएगा, मॉडल हेक्टर, और यहाँ पे एट्रन सेट्रन चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई दिख जाएगी। डीजल रहने वाला है, ठीक है। और बात करें तो डोर हैंडल्स पे आपको जो है क्रोम का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। इधर भी आपको रिक्वेस्ट बटन दोनों साइड देखने मिलेगा, वो पैसेंजर साइड ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको जो है रिक्वेस्ट बटन देखने को मिलेगा। इसके नीचे ही आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा, एक इधर है एक उधर की साइड है। पैनारोमिक सनरूफ भी देखने को मिल जाती है आपको। अगर मैं गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, 193 mm की जो है आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। पहले ना मैं इस गाड़ी की प्राइसिंग बताता हूँ भाई, जो प्राइसिंग है इसकी एक्स शोरूम, तो एक्स शोरूम जो इस गाड़ी की कॉस्ट है वो रखी गई है 20,70,000 रुपये, 20,70,000 जो है इसकी एक्स शोरूम रखी गई है। और इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट है ना वो है 24,41,000 रुपये। अब ये जो है 2022 वेरिएंट है तो इस पर डिस्काउंट है, तो अगर आपको डिस्काउंट रेट जाननी हो ना तो वीडियो में आगे तक बने रहिए, मैं इसमें डिस्काउंट बताऊंगा। बहुत ही तगड़ा इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है भाई, इस गाड़ी में बहुत तगड़ा डिस्काउंट। तो चलो गाड़ी के अंदर चलता है। पहले ये बटन दबाया, गाड़ी खुल गई। इसमें वो ऑप्शन भी देखने को मिलता है ऑटो डिटेक्ट वाला, कि जैसे आप गाड़ी के पास चाबी लेके आएंगे तो अपने आप भी खुल जाती है, तो इस टाइप का आपको ऑप्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, सॉफ्ट यहाँ पे टच देखने को इधर नहीं देखने को मिल रहा है। ग्लॉस ब्लैक की फिनिश, सिल्वर का ट्रीटमेंट, चारों पावर विंडोज कंट्रोल, लॉक अनलॉक ऑप्शन, और यहाँ पे डोर को लॉक अनलॉक करने का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। बॉटल होल्डर की पोजीशन देखने को मिलेगी। इन्फिनिटी के स्पीकर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्पीकर का सिस्टम, 4 आपको ट्विटर और 4 यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी पूरी की पूरी 6 वे एडजस्टेबल आपकी यहाँ पे सीट रहने वाली है, देख रहे हैं कुछ इस तरह के पूरे ट्रीटमेंट रहने वाला है। लेदर का यूज़ किया गया है, परफोरेटेड सीट्स रहने वाली है आपकी प्रॉपर, बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे लेदर देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का डैशबोर्ड रहने वाला है, विद सॉफ्ट टच आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाता है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं तो ABC पेडल देख लीजिए। पहले उससे पहले इस तरह के ABC पेडल विद डेड पेडल देखने को मिलेगा, फ्यूल लिड खुलने का ऑप्शन, आगे का बूट खुलने का ऑप्शन, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा। ये कंट्रोल्स रहने वाले हैं आपके ORVM को फोल्ड अनफोल्ड करने के, कंट्रोल करने के, राइट लेफ्ट एडजस्ट करने के, हेडलाइट लेवर एडजस्टर, ब्राइटनेस का, फिर यहाँ पे बूट खुलने का। यहाँ पे इस टाइप का यहाँ पे सिल्वर का ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा आपको AC विंड्स के अराउंड। हम आते हैं गाड़ी के अंदर तो 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी के साथ देखने को मिलते हैं। अगर एयरबैग्स गिनवाओ तो एक इधर है, एक इधर है, एक इधर आपको पिलर पे, एक मेरे पीछे, और अगर सीट पर बात करें तो सीट पे भी आपको एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं। तो 6 एयरबैग्स का सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो लेदर रेड स्टेयरिंग व्हील आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और एक बात और मैं बता दूँ, आपकी जो को पैसेंजर साइड की सीट है वो भी आपकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रहने वाली है, ठीक है। ये जो स्टेयरिंग व्हील है आपका पूरा लेदर रैप रहने वाला है, उसमें आपको सिल्वर की फिनिश देखने को मिलेगी इस तरह से। ये जो कंट्रोल्स है आपके क्रूज के कंट्रोल्स, और यहाँ पे MID को कंट्रोल करने के लिए रहने वाले हैं। ये वाले जो है आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स रहने वाले हैं। गाड़ी में बैठे तो एक बार हॉर्न भी सुन लेते हैं, PP वाला आपको इसके साथ हॉर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके रहने वाले ऑटोमेटिक हेडलाइट्स के कंट्रोल, और उसके साथ फॉग लाइट का कंट्रोल। अगर इधर की साइड बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वाइपर के कंट्रोल्स। और अगर मैं इसके मीटर की बात करूँ, बहुत ही शानदार सा मीटर आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसको मैं ऑन करता हूँ तो देखिएगा पूरा स्वाइप अप करेगा इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, जैसे टायर प्रेशर का आपको भी दिख रहा होगा। उसके बाद डोर ओपन का भी यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, सेटिंग सिग्नल मिलेंगी, उसके बाद वार्निंग सिग्नल मिलेगी, फटीक ड्राइविंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया का सेटअप देखने को, फोन की कनेक्शन, नेविगेशन, कार की इन्फो, कुछ इस तरह का इसका पूरा सेटअप रहने वाला है। इसके अंदर आपको जो है ऑटोनॉमस Level 1 का ऑप्शन देखने को मिलता है, एडास इसके अंदर मतलब आपको देखने को मिल जाता है। इस तरह का पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका रहने वाला है। अब बात करें यहाँ पे तो आपको 10.4 इंच यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगी, कुछ इस तरह के यहाँ पे फिजिकल बटन्स भी देखने को मिलेंगे। इसको ऑन करते हैं तो पूरा इसका इंटरफेस रहने वाला है। AC को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इधर से आप कंट्रोल कर सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा आपको देखने को मिलता है,
कुछ कैमरा की क्वालिटी कुछ आपको इस तरह की देखने को मिल जाती है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए यहाँ पे आपको बटन दिया गया है, यहाँ पे आपका जो है इसका हेजार्ड लाइट का कंट्रोल देखने को मिल जाता है। नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पे आप अपने फोन को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आपने भी देखने को मिलेगा, एसी रेडियो ये सब भी देखने को मिलता है। आप इसके अंदर वॉइस असिस्टेंस भी आपको देखने को मिलती है, जैसे कि आप बोलेंगे ओपन सनरूफ तो ये जो गाड़ी अपने आप सनरूफ खोल देगी, ये सारी चीजें भी आपको इसके साथ देखने को मिलती है। इंटरनेट इंसर्ट मतलब इसके अंदर सिम डली हुई है, देख सकते हो ऊपर 4G की कनेक्टिविटी आ रही है, तो इसके अंदर आपको सिम डली हुई मिलेगी जिससे आप अलग अलग इंटरनेट भी चला सकते हैं। एक साल का पैकेज रहता है जिसके साथ। यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी, यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिलेगी इस टाइप से। उसको अगर एक्सेस करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, जैसे इसके होम पे आएंगे आप, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे मूड लाइट पे जा सकते हैं। मूड लाइट में जाके अलग अलग यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे कलर्स हैं, 8 कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ 5 सेकंड पे मैंने चेंज कर दिया तो देखिए जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है कलर्स चेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे बते रही यहाँ पे बहुत तरह की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। ये जो नई वाली है उससे थोड़ा सा अलग है इंटरफेस, ठीक है। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिस्टम देखने को मिलेगा। एसी के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लो पे कर दिया, यहाँ पे आप स्पीड भी सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह का पूरा इसका इंटरफेस रहने वाला है। इधर की साइड आते हैं यहाँ पे सॉफ्ट टच देखने को मिल रहा है, इधर की नीचे की साइड आएंगे तो ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, ग्लव बॉक्स में आपको सॉफ्ट ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा विद कूल्ड आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ग्रैब हैंडल्स, यहाँ की साइड आपको लाइट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, वैनिटी मिरर विद लाइट, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट देखने को मिल जाएगी। फीचर्स आपको बतेरे इसके साथ देखने को मिलेंगे, वाटर डिमिंग वाला, यहाँ पे आपको आईआर बीम देखने को मिलता है, सनग्लास होल्डर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेंगे सनरूफ के कंट्रोल्स, इसको यहाँ से आप खोल सकते हैं, यहाँ से आप शेड को खोल सकते हैं, इधर से आपको लाइट के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर बात करें नीचे की साइड आते हैं तो इस टाइप का पूरा का पूरा यहाँ पे आपको लुक देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको सनरूफ का साइज चेक करा देता हूँ, इतनी बड़ी आपको मैसिव सनरूफ देखने को मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ आपको इसके साथ देखने को मिल जाती है। सेंटर में जो आर्मरेस्ट है उसके साइज की बात करते हैं, कुछ इस टाइप का आपको सनरूफ आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, स्लाइडेबल नहीं रहने का ये, और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का स्पेस देखने को मिलता है। और अगर बात करें तो ये आपको जो है कूल नहीं मिलेगा, इसमें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एक आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको कुछ बटन देखने को मिलेंगे, 360 डिग्री का कैमरा का बटन देखने को मिलेगा, और यहाँ से आप चाहे तो अपने पार्किंग के जो वो हैं सेंसर्स उनको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ स्पीकर सिस्टम की, बहुत ही गजब आपको यहाँ पे स्पीकर सिस्टम देखने को मिलेगा। मूड लाइटिंग देखिए पर्पल कलर की हो चुकी है, बहुत ही प्यारी लग रही है। नीचे की साइड भी आपको पैरों के पास भी आपको यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं पिछली सीट पे, पिछली सीट पे स्पेस भी देखते हैं कैसा है गाड़ी के साथ साथ। तो स्पेस की बात करें, चलते हैं पीछे स्पेस पे, भाई बहुत ही पल्ला भारी है, भाई बहुत पल्ले भारी है इसकी, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्ट टच, यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक का फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ पे सिल्वर का डोर नॉब, इन्फिनिटी के स्पीकर की पेंडिंग, इन्फिनिटी का स्पीकर, नीचे की साइड बॉटल होल्डर का ऑप्शन, मैगजीन होल्डर का ऑप्शन, और कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे सीट देखने को मिलेगी। सीट में भी आपको रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, भाई वाह शाबाश एम जी शाबाश, यहाँ पे इन लोगों ने जो है अच्छा खासा रिक्लाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद बात करूँ इसमें और क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आगे पीछे करने का मिल रहा है क्या, नहीं इसमें आपको आगे पीछे करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, उस साइड हो सकता है शायद ऑप्शन हो। तो पहले मैं सीट के अंदर बैठता हूँ, इसके अंदर चेक करते हैं स्पेस कैसा है। ब्लैक लेदर वाली सीट्स रहने वाली है, परफोरेटेड सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलेंगे इसमें आपको इसके साथ। और यहाँ पर बात करें तो आपको बीच में सेंटर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ना देखने में, ठीक है। अब गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, सीट को एडजस्ट करता हूँ, मैं गाड़ी के अंदर बैठ चुका हूँ। ओ भाई साहब, मैंने सीट को जो है पूरा रिक्लाइन कर लिया, बहुत अच्छा रिक्लाइन एंगल मिलता है इसमें। और अगर सपोर्ट की बात करूँ नीचे की साइड, तो आप देखिए पहले थाई सपोर्ट, कितना थाई सपोर्ट है देख सकते हैं आप, कितना अच्छा खासा यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट देखने को मिलता है। और पीछे की साइड भी आपको अच्छा खासा रिक्लाइन एंगल देखने को मिल रहा है, भाई बहुत ही तगड़ा आपको रिक्लाइन एंगल। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे एक मिलेगी लाइट, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्रैब हैंडल, यहाँ पे मिलेगा हुक का ऑप्शन, एयरबैग की बैजिंग, यहाँ पे आपको 6 एयरबैग आपको देखने को मिल जाते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग देख सकते हैं, कुछ इस तरह की आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिलेगा, यहाँ पे भी आपको मैगजीन होल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिल जाता है, 2 AC वेंट्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एम्बिएंट लाइटिंग कलर चेंज कर रही है, बढ़िया लग रही है, ब्लैक कलर की सीट बेल्ट, आइसोफिक्स सेल्फ सीट्स का ऑप्शन, कुछ इस तरह का पूरा इस तरह का व्यू रहने वाला है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो कंपनी ने ना इस पे निकाला हुआ है भारी बम्पर डिस्काउंट, और भाई कितना डिस्काउंट आप सोच सकते हो। अगर मैं डिस्काउंट की बात करूँ ना तो इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है मोटा मोटी 2 लाख रुपए का, 2 लाख का नहीं उससे ज़्यादा का, सीधा मैं आपको प्राइस ही बता देता हूँ, 24,70,000 रुपये की है, 24 लाख के आसपास जो थी इसकी ऑन रोड है ना,
या आपको गाड़ी दे दी जाएगी ऑन रोड अब 21.5 लाख रुपए में, 21,50,000 रुपीज़ आपको इस गाड़ी की पेमेंट करनी है। और ये गाड़ी जो है जैसी की तैसी, मतलब इस पर सेरामिक कोटिंग भी हो रखी है और इस पर हो रखा है आपकी आगे नई वाली ग्रिल लगी हुई है 2023 वाली। ये पूरा पैक आप ले जा सकते हो 21,50,000 रुपए में। इतना भारी डिस्काउंट आपको कंपनी MG जो है दे रही है। अगर आपको गाड़ी चाहिए ना, आप जल्दी से आके आगरा में से बुक कराइए और ले जाइए भाई, ले जाइए आपका। लेकिन इसमें BS6 फेज 2 वाला इंजन नहीं मिलेगा, इसमें BS6 फेज 1 वाला इंजन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वो सारी शर्तें मंजूर हैं तो आप इस गाड़ी के मालिक हो जाएंगे 21,50,000 रुपए में। है ना बढ़िया गाड़ी, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही थी पूरी कहानी इस गाड़ी को लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई गाड़ी के साथ। और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो आप कहाँ होगा, MG आगरा जो कि सिचुएटेड है आपका भगवान टॉकीज के पास, आप जाके वहाँ पे इस गाड़ी को चेकआउट कर सकते हैं, बुक करा सकते हो, खरीद सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।